नमस्कार, चटपटी व्यंजन में आपका स्वागत है। आज हम बथुआ का साग बनाएंगे। बथुआ का साग बनाने के लिए बथुआ को किस तरह से तोड़ेंगे देखिए। इटकरे वाले डंठल को छोड़ देंगे और कोमल पत्तों को तोड़ लेंगे। इस तरह से तोड़ तोड़ के इसे निकाल लेंगे। इसमें घास और अन्य पौधे भी होते हैं, उसे चुनकर साफ कर लेंगे। इस तरह से तोड़ के बनाएंगे और कड़े वाले भाग को हटा देंगे। तो बथुआ का साग बनाने के लिए 1 केजी बथुआ लिए हैं और इसे इस तरह से तोड़ के 5-6 पानी से अच्छी तरह से धो के साफ कर लिए है। इसमें मिट्टी और धूल की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब चाहे तो इसे बारीक भी काट सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसमें चाहिए 1 बड़ा कटी हुई प्याज, 3 से 4 हरी मिर्च, फोरन में राई, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। लहसुन को आप पेस्ट या कद्दूकस करके भी या काट के डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल। तो बथुआ को बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम है, अब तेल को गरम कर लेंगे। 2-3 चम्मच जितना तेल डालेंगे और इसे गरम करेंगे। तेल गरम है, अब इसमें राई डालेंगे। राई को चटकने तक पकने देंगे और इसमें हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। प्याज को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। प्याज को भून लिए हैं, अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। लहसुन को भून लिए हैं, अब इसमें साग डालेंगे। अब इसे ढक देंगे और थोड़ा सा गलने के बाद बाकी बचे हुए साग को भी डालेंगे। साग गल के कम हो गए हैं, अब इसमें बाकी बचे हुए को भी डालेंगे। अभी जितना साग का क्वांटिटी है उस हिसाब से कभी भी नमक नहीं डालेंगे, उससे नमक ज्यादा हो जाएगी। इसको गलने के बाद ही इसमें हम नमक डालेंगे। बाकी बचे हुए साग को भी डाल दिए है, अब इसे ढक के पकने देंगे और बीच बीच में चेक करेंगे। साग को चेक कर लेंगे, इसे चला लेंगे। साग गलने लगी है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार। अब इसे ढक के पूरे गलने तक इसे पकाएंगे और बीच बीच में चेक कर लेंगे। अब इसे चेक कर लेंगे, इसे इस तरह से दबाते हुए सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साग पूरी तरह से गल चुकी है, इसे थोड़ा सा 1-2 मिनट और चला लेते हैं। साग पूरी अच्छी तरह से गल चुकी है, साग बन के तैयार है। अब गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। बथुआ की टेस्टी साग बन के तैयार है।
ये साग बहुत ही गुणकारी होती है। इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इसे सीजन के समय जरूर इसे खाने में यूज करना चाहिए। इसे आप एक बार इस तरह से ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।